हे गाइस, वेलकम टू इन्फोबूस्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ LPDDR5 के बारे में। LPDDR5 जो कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ रैम है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि रैम कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए। डिवाइस की जो परफॉर्मेंस होती है, या यूँ कहें कि डिवाइस को यूज करने का जो एक्सपीरियंस होता है, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है डिवाइस के रैम पे। तो इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूंगा LPDDR5 के बारे में। इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि LPDDR5 जो है वो इसके प्रीवियस वर्जन्स लाइक LPDDR4, LPDDR3 से कितना बेटर है, किस तरीके के चेंजेस LPDDR5 में किए गए हैं, और जो भी डिवाइसेस मार्केट में अभी आ रही हैं जिनमें LPDDR5 यूज किया हुआ है, वो किस तरीके से आपके एक्सपीरियंस को एनरिच करने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं LPDDR5 के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। फ्रेंड्स, LPDDR5 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको रैम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। रैम बेसिकली एक्रोनिम है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। रैंडम एक्सेस का सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये होता है कि CPU को अगर किसी फाइल पे रीड या राइट करना होता है तो वो मेमोरी के अंदर जाता है, जहाँ पे फाइल स्टोर है उसके रो एंड कॉलम कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए वहाँ से फाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे CPU किसी FIFO यानी फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट या फिर LIFO लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट टाइप ऑफ एल्गोरिथम को फॉलो करने की नीड नहीं होती। इसीलिए रैम जो होते हैं हमारे वो काफ़ी फास्ट होते हैं। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी प्रोग्राम को अपने सिस्टम में ओपन करते हैं तो वो बेसिकली रैम में पहले ओपन होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप उस प्रोग्राम में कोई चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई BPT या WordPress अपने सिस्टम में खोलते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस आप करते हैं तो बार बार आपको नीचे की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि ये डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है रैम में। अगर आपको उसको सेव करना है हार्ड डिस्क में तो आप Ctrl+S या फिर फाइल में जाके सेव कर सकते हो। सो इसका मेन रीज़न यही होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हो, वो पहले आपकी रैम में ओपन होता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है, उसके बाद अगर आप उसे सेव करते हो मैन्युअली तो वो आपके हार्ड डिस्क में सेव होता है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं LPDDR5 रैम के स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में। सैमसंग ने LPDDR5 रैम के दो डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी के रैम प्रोड्यूस किए हैं, एक 12GB वर्जन, दूसरा 16GB वर्जन। 12GB वर्जन जो है वो सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S20 एंड सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस में यूज किया है। वहीं 16GB का जो वर्जन है वो सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में यूज किया है। दोनों ही जो रैम है वो 10 नैनोमीटर स्केल पे बनाए गए हैं। सेकेंड जनरेशन 10 नैनोमीटर स्केल का यूज हुआ है। फ्रेंड्स, अगर बात करें 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड की, जिसको सैमसंग ने यूज किया है LPDDR5 के डिज़ाइन में, तो ये नोड काफ़ी लेटेस्ट नोड है। इससे पहले जो अदर कंपनीज हैं वो 12 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर और 22 नैनोमीटर FDSOI का यूज करती थी चिप डिज़ाइन में, बट 10 नैनोमीटर मार्केट में बिल्कुल नया है। हालांकि काफ़ी कंपनीज ने 5 नैनोमीटर पर भी काम स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, अब कंपैरिजन करते हैं LPDDR5 का LPDDR4 से। तो बेसिकली दो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज़ पावर कंजम्पशन, सेकंड इज़ डेटा ट्रांसफर स्पीड। सो अगर पावर कंजम्पशन की बात करें तो LPDDR5 LPDDR4 के कंपैरिजन में 30% लेस पावर कंज्यूम करता है। उसका एक बड़ा रीज़न है LPDDR5 में DSM मोड का होना, इसके बारे में मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। इसके साथ ही LPDDR5 में डायनेमिक फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज स्केलिंग फैसिलिटी भी दी हुई है, जिसके कारण पावर कंजम्पशन काफ़ी कम होता है। बात करें डेटा ट्रांसफर स्पीड के बारे में तो LPDDR5 LPDDR4 के कंपैरिजन में 1.5 times डेटा फास्टर रेट से ट्रांसफर कर सकता है। पिन स्पीड ऑफ LPDDR5 की है अराउंड 6400 MB/s, यानी कि ये मैक्सिमम स्पीड है जिस पे डेटा को LPDDR5 ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अलावा एक फैसिलिटी LPDDR5 में है, लिंक ECC फंक्शनैलिटी। ये बेसिकली डेटा रिकवरी के काम आती है, इसके बारे में भी आपको आगे की स्लाइड में डिटेल में पता चलेगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं डबल डेटा रेट के बारे में। तो डबल डेटा रेट में बेसिकली हम जो भी रेफरेंस क्लॉक लेते हैं उसके दो एजेस होते हैं, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजेस। तो हम दोनों एजेस पे ही डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी एक क्लॉक साइकिल में दो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके अलावा अगर हम सिंगल डेटा रेट की बात करें तो सिंगल डेटा रेट में हर रेफरेंस क्लॉक के केवल एक एज यानी पॉजेस पे ही डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। सो ऑब्वियसली बात है कि डबल डेटा रेट की जो स्पीड होगी वो सिंगल डेटा रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि हम एक क्लॉक साइकिल में दो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। DDR से भी ज़्यादा स्पीड की अगर बात करें तो QDR टेक्नोलॉजी है, यानी क्वाड डेटा रेट, उसमें हम 4 सिग्नल्स को पर क्लॉक साइकिल में ट्रांसफ़र करते हैं। सो वो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा फास्ट होता है कंपैरिजन टू DDR।
फ्रेंड्स अब बात करते हैं डीप स्लीप मोड यानी DSM मोड के बारे में। सो जब भी LPDDR5 अपने आइडियल स्टेट में काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम से ज़्यादा टाइम के लिए ये आइडियल स्टेट में होता है, तो ये ऑटोमेटिकली डीप पावर डाउन मोड में चला जाता है, जिसे DSM मोड कहते हैं। इस मोड में होता क्या है बेसिकली कि रैम के अंदर की जो भी सर्किटरीज होती हैं लाइक इनपुट बफर्स, आउटपुट बफर्स एंड पावर सप्लाई सर्किटरीज, वो ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाती हैं। सो ओवरऑल पावर कंजम्पशन कम हो जाता है सर्किट का, क्योंकि जो सर्किट के अंदर की IDD करंट होती है उसकी वैल्यू अराउंड 40% रिड्यूस हो जाती है इस मोड में। LPDDR5 की एक फंक्शनैलिटी ये भी है फ्रेंड्स कि डेटा ट्रांसमिशन के टाइम या स्टोरेज के टाइम किसी एरर से अगर डेटा डैमेज हो जाता है तो डीप मास्क इन्वर्जन एंड रीड डेटा प्रोब टेक्निक के थ्रू रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करके उस डेटा को रिकवर किया जा सकता है। LPDDR4 के कंपैरिजन में LPDDR5 50% ज़्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करता है। उसकी वजह से हम हाई स्पीड गेमिंग या AI रिलेटेड एप्लीकेशंस का भी यूज अपने स्मार्टफोन्स में इजीली कर सकते हैं। फ्रेंड्स करेंटली सैमसंग 990 एंड स्नैपड्रैगन 865 ये दो चिपसेट्स हैं जो LPDDR5 को सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो आपको LPDDR5 के बारे में इन्फॉर्मेशन दी वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको LPDDR5 की कौन सी फंक्शनैलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।